आज पूरे देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। आज सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या सियासी पार्टियों ने अंबेडकर के नाम को सिर्फ वोट हासिल करने का एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला बना लिया है, और इसलिए आज तक देश के नेता को सिर्फ दलितों का नेता बनने की सियासी साजिश की गई है। आज ताल ठोक के हम पूछेंगे कि क्या अंबेडकर सिर्फ सियासी सुविधा का नाम है, एक बहुत बड़ा राजनीतिक ब्रांड बन चुके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शाम 6 बजे पूछेंगे कि क्या महिलाओं को अधिकार देने से इस्लाम खतरे में आ जाता है, ये शाम 6 बजे बड़ी बहस होगी। लेकिन इस वक्त का सवाल ये कि क्या बाबा साहेब के नाम को दलितों के वोट की दुकान बनाने की साजिश रची गई है, जिसे आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है, उसे क्या सियासी साजिश के तहत जातियों की सीमा में बांध दिया जाता है या बांध दिया गया है एक तरीके से। आज अंबेडकर जयंती है और देश की हर सियासी पार्टी दलित वोटों के लिए डॉक्टर अंबेडकर जयंती मना रही है। दलित बड़ा वोट बैंक है, इसलिए हर सियासी पार्टी के लिए दलितों का झंडा उठाना बहुत जरूरी भी है और यकीन मानिए मजबूरी भी है। 2019 करीब है, लेकिन दलित अगर आजादी के 70 साल बाद भी दलित हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और जो लोग दलित वोटों के लिए अंबेडकर का नाम जपते हैं वो उनके विचारों को क्यों छुपाते हैं? सिर्फ नाम जपा जा रहा है, विचारों को नहीं फूल चढ़ाए जा रहे हैं, प्रतिमा पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। क्या डॉक्टर अंबेडकर के नाम के सहारे सियासत होती है या फिर वो खुद सियासत का शिकार हुए हैं? ये सबसे अहम सवाल है। और क्या इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार तो नहीं है? आज ताल ठोक के हम सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहला सवाल, सिर्फ वोट के लिए अंबेडकर का इस्तेमाल क्यों? एक और अहम सवाल ताल ठोक के में, अंबेडकर के नाम से प्यार, विचार से इंकार क्यों? कांग्रेस ने मरने के बाद भी क्या अंबेडकर का अपमान किया, जैसा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगाया गया है? अंबेडकर सिर्फ दलितों के मसीहा या फिर देश के मसीहा? एक और अहम सवाल, अंबेडकर नाम जपना, क्या दलित वोट अपना? ये 5 सवाल, इन सवालों के जवाब हम लोग 1 घंटे की डिबेट के दौरान ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज बयानों की क्या बौछार रही आज के दिन, वो आप पहले देखिए। बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती पर आप दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, जय भीम, जय भीम। एक गरीब मां का बेटा, अति पिछड़े समाज से आने वाला ये आपका साथी अगर आज देश का प्रधानमंत्री भी है तो ये भी बाबा साहब की ही देन है। ये इतिहास की बहुत कड़वी सच्चाई है कि जब बाबा साहब जीवित थे तब भी कांग्रेस ने उनके अपमान में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। आज की पीढ़ी के लिए जानना आवश्यक है कि कैसे कांग्रेस ने बाबा साहब को जीवित रहते और उनके निधन के बाद भी अपमानित किया। बीजेपी के नेता दलितों से नफरत करते हैं, सच्चाई है। एक तरफ अंबेडकर जी के सामने हाथ जोड़ते हैं और दूसरी तरफ जो भी अंबेडकर जी ने किया, जो भी उन्होंने कहा, उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं। राहुल जी, पवार साहब, कान खोल कर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है। इतना नहीं, आप हटाना चाहोगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी हटाने भी नहीं देगी। ये कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी ये कहना चाहूंगी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े कुछ स्थलों को केवल सम्मान देने से व इनके नाम पर कुछ योजनाएं आदि चलाने से भी उनके अनुयायियों का विकास व उत्थान नहीं हो सकता है। सरकारें जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की हैं वहां ज्यादा अन्याय हो रहा है। ये सरकार वोट से गई, वोट से बनी है, वोट से हटाने की रणनीति समाजवादी पार्टी बना रही है। मोदी साहब एक ओबीसी से तो हैं ही,
उसके अलावा मोदी साहब एक बहुत ही रिमोट जगह से हैं, ऑर्डिनरी फैमिली से हैं या कमजोर फैमिली से जरूर हैं। अंबेडकर नाम जपना, वोट अपना, दलित वोट अपना। दरअसल अंबेडकर बहाना है, दलितों को रिझाना है, ये सबसे बड़ी डिबेट की लाइन है। आज चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे साथ डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, यूपी के सैदपुर लोकसभा सीट से सांसद है। विजय सोनकर शास्त्री साहब, स्वागत है आपका थाल ठोके में। इसके अलावा हमारे साथ सुनील सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अखिलेश सरकार में डेयरी मंत्री रह चुके हैं। सुनील सिंह यादव साहब, आपका भी स्वागत। मेरे साथ नईम अब्बास यहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ है, पीएसपी बहुजन समाज पार्टी के नेता है, 2013 में दिल्ली के कृष्णा नगर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। अब्बास साहब स्वागत है आपका। मेरे साथ दुष्यंत नागर, राजनीतिक विश्लेषक है, किसानों के से जुड़े मुद्दों को करीबन 1.5 से 2 दशकों से लगातार उठा रहे हैं। दुष्यंत नागर साहब स्वागत है आपका। और मेरे साथ सुनी चोपड़ा, सीपीएम के नेता, सीपीएम में सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं। सुनी चोपड़ा जी आपका भी स्वागत। इसके अलावा मेरे साथ राजीव रंजन, जेडीयू के प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड नीतीश की पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजीव रंजन जी आपका भी स्वागत। शिक्षा के अधिकार का मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं, रंजन जी आपका स्वागत है। अशोक भारती जो कि दलित चिंतक हैं, जो आज समझाएंगे कि दलितों के नाम पर किस तरह की सियासत हो रही है, क्या 2019 दरअसल निशाना है, इसलिए अंबेडकर को यहाँ पर इतना दलित प्रेम देखने को मिल रहा है। अशोक भारती साहब आपका भी स्वागत। हमारे साथ ए के वाजपेयी भी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की जो पार्टी एलजेपी, उनके नेता हैं ए के वाजपेयी साहब, यूपी के पूर्वांचल की राजनीति में सक्रिय हैं, 20 साल से एलजेपी से जुड़े हुए हैं। वाजपेयी साहब आपका भी स्वागत है। सबसे पहले विजय सोनकर शास्त्री साहब, आप ही से चर्चा की शुरुआत करूं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले मायावती की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ये कहा गया कि ये दिखावा है, दिखावटी नाटकबाजी है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के नाम पर योजनाएं लाने, स्मारक बनाने, प्रतिमा लगाने से दलितों का भला नहीं होगा, काम करिए दलितों के लिए, प्रतिमाएं मत लगवाइए। देखिए, इन लोगों ने तो वो भी नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर एक असाधारण व्यक्ति थे और उनका एक असाधारण जीवन था। मुझे ऐसा लगता है कि उनके जीवन के जो स्मारक बनाए जा रहे हैं, उसे निस्संदेह देश के करोड़ों करोड़ लोगों को तो प्रेरणा मिलेगा ही। लेकिन इसके बावजूद अगर करने की बात जहाँ तक है, तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जो सरकार है, उस सरकार ने लगभग 112 ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जैसे उन योजनाओं का सीधा सीधा दलित वर्ग को लाभ मिल रहा है। केवल दलित वर्ग को लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि देश के गरीबों को लाभ मिल रहा है। पहली बार गरीबों के लिए ये सरकार बनी है। एक तरह से आप कल्पना कीजिए, अमन जी, मैं आपसे जरूर ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज आज़ादी के 70 वर्ष बीत गए हैं, एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि 70 वर्ष बीत गए हैं और आज दलित परिवारों को शौचालय तक नहीं मुहैया है। ये शौचालय कोई छोटी बात नहीं है, मैं बहुत संवेदना के साथ बोल रहा हूँ और दर्द के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ठीक है सर, ठीक है। विजय सोनकर शास्त्री साहब, आपने इतना काम किया, आप मुझे गिना रहे हैं, अपने सांसदों को भी गिना देते, अपने विधायकों को गिना देते, आप ही के सांसद नहीं समझ पा रहे हैं जो आपने काम किया। चिट्ठी लिख रहे हैं यशवंत सिंह, उदित राज, छोटे लाल, ओपी राजभर, तमाम लोग नाराज चल रहे हैं। आपके सांसद सर, आपके बीजेपी के सांसद चिट्ठियां लिख रहे हैं कि काम नहीं हुआ। आप कह रहे हैं काम हुआ, अपने सांसदों को समझा दीजिए। दुष्यंत नागर साहब, आपसे मेरा अगला सवाल है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया और इतिहास से नाम मिटाने की कोशिश की है कांग्रेस ने। नहीं नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं बिल्कुल। मैं राष्ट्र को बताना चाहता हूं जी के माध्यम से कि बाबा साहब, जब संविधान सभा का गठन हुआ, ईस्ट पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है खुल्ला, वहाँ से सांसद थे, वो बंटवारे में पाकिस्तान को चला गया। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने मुंबई की सीट अपने सांसद से खाली कराई और बाबा साहब चुन के संविधान सभा के सदस्य बने। 1952 का मैं आपको बताता हूँ, 1952 में बाबा साहब महाराष्ट्र से चुनाव लड़े, अपनी पार्टी से लड़े, अपनी विचारधारा से लड़े, बाबा साहब चुनाव हार गए, कांग्रेस का कैंडिडेट जीता। माननीय नेहरू जी ने फिर से अपने एक सांसद को रिजाइन कराया और बाबा साहब जीत के पार्लियामेंट में आए, बाबा साहब मंत्री बने। कांग्रेस ने, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों ने, सभी गांधीवादियों ने सदैव उतना ही सम्मान दिया है जितना गांधी और नेहरू जी को दिया है, उतना ही अंबेडकर साहब को दिया है। इस प्रकार की भ्रामक बातें करना, जो हिंदू कोड बिल था, भारती साहब जानते हैं उसके लिए नेहरू जी ने कितना प्रयास करके उसको लागू कराया, आरक्षण रहा हो, दलितों के हितों के लिए जो कार्य कांग्रेस ने किए, वो सब बाबा साहब की प्रेरणा से ही लागू किए। तो बाबा साहब और कांग्रेस का जो प्रेम है, नागर साहब, ये सवाल बीजेपी उठाती है कि भारत रत्न क्यों नहीं दिया, 1990 में जाकर वीपी सिंह सरकार ने दिया, आप लोगों ने ना भारत रत्न दिया, नेहरू को दे दिया, राजीव गांधी को दे दिया, संसद भवन में एक तस्वीर तक नहीं लगाई गई भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो ऐसा कौन सा आदर्श आप लोग मानते थे कांग्रेस
कांग्रेस, ये बीजेपी के सवाल है। मेरे साथ एके वाजपेयी जी भी हैं, एके वाजपेयी साहब लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं। वाजपेयी साहब ये बताइए, रामविलास पासवान भी तो थोड़े नाराज ही चल रहे थे एक तरीके से, वो कह रहे थे कि परसेप्शन खराब बन गई है दलितों को लेकर और छवि जो है थोड़ी खराब हुई है मोदी सरकार की दलितों को लेकर, ये रामविलास पासवान जी ने कहा था। तो उन्होंने ठीक कहा, जो माहौल में चल रहा था देश में, जो मीडिया में चल रहा था, जो घटनाएं हो रही थी, तो वो क्या सरकार को बताना नहीं चाहिए? उनकी जिम्मेवारी बनती है, दलित समाज से आते हैं और दलितों के लिए जितना काम उन्होंने किया है। अभी आपने ठीक कहा कि 89 में एस सी एस टी एक्ट आया जब वो वेलफेयर मिनिस्टर थे, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि अगर माहौल खराब होगा, अगर दलितों पर अत्याचार होगा, तो हम लोग सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं। और इसी के चलते हमने क्या किया कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सबसे पहले हमने रिव्यू पिटीशन फाइल की, प्राइम मिनिस्टर को सारी तथ्य बताए, उसके बाद सरकार ने भी रिव्यू पिटीशन फाइल की और अभी फिर दोबारा ब्रीफिंग की प्राइम मिनिस्टर साहब को कि भाई ये मामला ठीक नहीं चल रहा है, आपको अध्यादेश भी लाना पड़ सकता है। तो सरकार ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट बात नहीं मानेगा तो हम इस कानून को बिल्कुल डायल्यूट नहीं होने देंगे और अध्यादेश भी लाएंगे, ये भी ओपन लिखा है। तो मेरा कहना यह है कि दलित समाज की मदद करना, उनका उत्थान करना एक अलग काम है और दलित के नाम पे राजनीति करना दूसरा काम है। 70 साल में दलितों के साथ कहां पहुंचा है भारती साहब ज्यादा बताएंगे, लेकिन हम 4 साल में। वाजपेयी साहब एक चीज है, आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही, आपने ये बताया, मैं विजय सोनकर शास्त्री साहब से रिएक्शन लूंगा बीजेपी से, कि सहयोगी नाराज हैं, कह रहे हैं कि अगर ये, मुझे बताइएगा सोनकर शास्त्री साहब, आपसे मैं लूंगा सवाल कि अगर ये पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाती है तो क्या आप अध्यादेश लेकर आएंगे, क्योंकि ये सवाल रविशंकर प्रसाद से भी पूछा गया था, उन्होंने इसका सीधा जवाब नहीं दिया था। नईम अब्बास साहब जी, देखिए जिस तरीके से बीजेपी करनी और कथनी में बहुत अंतर है और जिस तरीके से दलितों के साथ अन्याय हो रहा है वो देश देख रहा है, और जिस तरीके से आपने 2 अप्रैल की घटना देखी, 2 अप्रैल की घटना में जो राजा चौहान है वो तमंचा लहराता है, गोलियां चलाता है, उस पर धारा 308 के तहत मुकदमा दर्ज होता है, और वहीं एक दलित जिस धारा में उसको दलित ने भी बंदूक लहराई है उस पर वहाँ रासुका लगाई जाती है। और इस देखिए जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि हम दलितों का उत्थान करना चाहते हैं, दलितों का उत्थान नहीं हो रहा है, दलितों पर जितना अत्याचार बीजेपी कर रही है वो कोई पार्टी किसी ने आज तक नहीं करी है। दूसरी बात, जितना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां इस सरकार में तोड़ी गई हैं आज तक, उन पे बताइए उन लोगों पे कितने लोगों पे एफआईआर दर्ज करी गई है, कहीं उनके खिलाफ कोई मुकदमे दर्ज नहीं कराए गए। जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्तियों का अपमान किया गया, ये देखिए ये बहुत देश देख रहा है कि किस तरीके से मोदी जी कल उद्घाटन करने जाते हैं लेकिन वो बयान नहीं देते किसी ऐसे ऐसे राजनीतिक दलों पर या ऐसे लोगों पर कि उन लोगों पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जिन लोगों ने बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी हैं, उन लोगों पर कोई बयान नहीं। नईम अब्बास साहब, आपने कुछ नेताओं के नाम गिनाए जो बीजेपी से जुड़े हुए थे, मैं मानता हूं, लेकिन आप वो नाम गायब कर गए जो बीएसपी से जुड़े थे। बीएसपी के पूर्व विधायक योगेश को भी गिरफ्तार किया गया था इस पूरे मामले में और बीएसपी के भी कई लोग इस मामले में शामिल थे, उनके समर्थकों को मिलाकर जो एक तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे आंदोलन के नाम पर, ये बीएसपी के भी कुछ लोग थे और कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि बिना फैसले को पढ़े कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने आंदोलन के नाम पर हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, वो ऑल टुगेदर पूरी अलग तरीके से डिबेट होगी उस पर। राजीव रंजन जी, नईम अब्बास साहब ये कह रहे हैं और कांग्रेस के मामान जो एक तरीके से तमाम लोगों का यही कहना है कि इतना अत्याचार हो रहा है दलितों पर, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में भी मैं देख रहा था नीतीश और रामविलास पासवान की तरफ से एक सम्मेलन का आयोजन आज किया गया दलितों के नाम पर, लेकिन सरकार में नाराजगी है सहयोगियों में, आप भी नाराज हैं क्या दलितों को लेकर जिस तरह की परसेप्शन बन रही है? देखिए सबसे पहली बात है कि नाराजगी का कोई सवाल इसलिए नहीं खड़ा होता है कि हम अपने राज्य में एनडीए के पिछले दौर में महादलित मिशन की स्थापना नीतीश कुमार जी के निर्देश पर हुई और दलितों के कल्याण के लिए महादलित मिशन के जरिए जितने कार्य हुए हैं वो पूरे देश में एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे एम्पावरमेंट, उनको नौकरियों के जरिए, उनको प्रशिक्षण के जरिए, उनके खिलाफ अगर उत्पीड़न हो तो उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को सुनिश्चित करने का जहाँ तक सवाल है, जनता दल यूनाइटेड ने बराबर बढ़ चढ़ करके समाज के कमजोर तबके के साथ खड़े होने का काम किया है। पंचायती व्यवस्था में भी हम लोगों ने इस तरह के रास्ते तय किए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कमजोर तबके के लोग, जिसपे जो दलित और पिछड़े तबके के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चुन कर के आएँ और वो एक एकल पदों पर भी ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके जी। बाबा साहब का पूरा जीवन जिस तरह से गैर बराबरी के खिलाफ समर्पित रहा है,
उस गैर बराबरी को खत्म करने। ठीक है सर, ठीक है सर, गैर बराबरी को खत्म करने के लिए, लेकिन क्या उनके विचारों को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं या सिर्फ नाम जपा जा रहा है वोटों के लिए? और हम इसलिए कह रहे हैं अंबेडकर तो बहाना है, दलितों को दरअसल रिझाना है क्या? सुनील चोपड़ा साहब सीपीएम के नेता हैं, आपको भी लगता है ये एक तरीके से होड़ मची हुई है 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले अंबेडकर की विरासत को हथियाने की, और कौन बड़ा मसीहा है दलितों का ये अपने आप को साबित करने की? होड़ सी मची हुई आज पूरा दिन हमने देखा है, तमाम पार्टियां अक्रॉस पार्टी लाइन अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। सुनील चोपड़ा जी, अंबेडकर जयंती तो मनानी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में जो कार्ल मार्क्स ने कहा था बहुत साल पहले 1853 में शायद, कि हिंदुस्तान के विकास के रास्ते में एक ही बाधा है, वो है जातिवाद और ये अछूत प्रथा। तो हमारे लिए और मेरी पार्टी के लिए जातिवाद को नष्ट करना हमारा काम है, हमारे पार्टी प्रोग्राम में भी है और हम उसके लिए लगातार लड़ते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि भाजपा एक अजीब चीज कर रही है, हिंदू महासभा से जुड़े हुए गोडसे ने और आरएसएस से जुड़े हुए परिवार के उस आदमी ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। आज आप महात्मा गांधी का नाम चारों तरफ फैला रहे हैं, उसी तरह अंबेडकर की मूर्तियां टूट रही हैं। ठीक है, सुनील चोपड़ा आपका माफ कीजिएगा, एक मिनट का ही समय था सर, एक मिनट बाद अंबेडकर की गोल गा रहे हैं। आवाज मुझे बंद सर, क्योंकि एक मिनट का बजर राउंड है, सब एक एक मिनट बोलेंगे। वैसे मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, आपको कार्ल मार्क्स ने क्या कहा ये पता है, लेकिन अंबेडकर ने कम्युनिस्टों के लिए क्या कहा था आपने नहीं बताया। उन्होंने कहा था कि भविष्य में देश को जिन दो वर्गों से खतरा होगा वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। सुनिएगा, कम्युनिस्टों ने श्रम संगठनों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया, उनकी भलाई के लिए नहीं। कम्युनिस्टों ने जब भी हड़ताल की, दलित मजदूरों का ज्यादा इस्तेमाल हुआ क्योंकि वो गरीब थे, और देश में आने वाले समय में सबसे ज्यादा किसी से खतरा होगा तो वो कम्युनिस्टों से होगा। ये अंबेडकर साहब के विचार थे आप लोगों के लिए, आप कार्ल मार्क्स ने क्या कहा ये बता रहे थे। अब मेरे साथ अशोक भारती जो कि दलित चिंतक है, अशोक भारती साहब ये सब 2019 के लिए हो रहा है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जब चुनाव, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे दलितों की डिमांड बढ़ जाती है, जो गरीब लोग हैं जो कमजोर लोग हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया है, लेकिन दुख की बात यह है जो भी पार्टियाँ सरकार में रही हैं या हैं वो लोग बाबा साहब के जो प्रोग्राम्स हैं उनको नहीं मानती हैं। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि प्रत्येक भूमिहीन व्यक्ति को ज़मीन मिलनी चाहिए, और ज़मीन मिलने के लिए ज़मीन का राष्ट्रीयकरण की अगर ज़रूरत हो तो राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, लेकिन कोई पार्टी जमीन के राष्ट्रीयकरण की बात नहीं करती। डॉक्टर अंबेडकर ये कहते थे कि सेवाओं पर, सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देना चाहिए, उद्योगीकरण को बढ़ावा देना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन सरकारें जो है निजीकरण को बढ़ावा दे रही हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में जो कमज़ोर तबके उनकी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी की सारी बातें हैं ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण बहुत जरूरी बात कही, मैं आपसे आगे भी रिएक्शन लूंगा कि दरअसल ये यही है नब्ज, यही है कि जो विचार हैं भीमराव अंबेडकर के उसकी कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ नाम जपा जा रहा है अंबेडकर अंबेडकर से दलितों को रिझाने के लिए, और होड़ सी लगी हुई है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में। मेरे साथ सुनील यादव साहब है, सुनील सिंह यादव साहब आप भी उन्हीं में शामिल है, समाजवादी पार्टी की तरफ से संभवतः शायद पहली बार है ये इतनी धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, ये गठबंधन का दबाव है, वोटों का दबाव है, बीएसपी इफेक्ट है, मायावती इफेक्ट है, क्या है ये? पहली बार है ये शायद इतनी धूमधाम से? नहीं अमन जी, मुझे लगता है कि ये पहली बार नहीं है, समाजवादी पार्टी हमेशा मनाती है बाबा साहब का जन्मदिन, और बाबा साहब के साथ साथ जो भी हमारे देश के महापुरुष उनका सबका जन्मदिन समाजवादी पार्टी मनाती है। लेकिन जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी दिखी है मनाते, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बाबा साहब नहीं होते तो मैं प्रधानमंत्री नहीं होता, ये सच है कि बाबा साहब नहीं होते तो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते थे, लेकिन जो उनके वैचारिक काका हैं, जो आरएसएस है, वो तो मनुवादी व्यवस्था की है। आरएसएस में कौन दलित, कौन पिछड़ा अब तक प्रमुख पदों पर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तांडव किया है सहारनपुर में दलितों के साथ,
उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिनके खिलाफ तांडव हुआ उन्हीं को खिलाफ एफआईआर होकर के जेल भेज देते हैं। अलीगढ़ में इन्हीं के नेता का एक वीडियो आया मधु मिश्रा का, उन्होंने कहा जो जूते सिलते थे आज हमारे बराबर पर कैसे खड़े हो रहे हैं। आज आप देखेंगे जो भी नौकरियों में उच्च शिक्षण संस्थानों में इस तरीके से कुचक्र किया गया, नियम बनाया। सुनील सिंह यादव साहब एक मिनट पूरा हुआ, यकीन मानिए हैरान की हो रही है, सैफई महोत्सव में इतने बैंड बाजे बजते देखे थे, आज पहली बार है कि अंबेडकर जयंती पर भी, अब से आखिरी बार आप मुझे बताइए ना कब अखिलेश यादव अंबेडकर जयंती मनाने अंबेडकर स्मारक गए, दलितों की बस्ती पर हमले तक हुए अखिलेश कार्यकर्ताओं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, लगता है कि छह साल ये कब हुआ, पांच साल सैफई महोत्सव में तो बैंड बाजा बजता था, लगातार अंबेडकर जयंती मनाने अंबेडकर जी को पुष्प कब गए सर, डेट बताइए ना। सुनील सिंह यादव साहब एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है गठबंधन की मजबूरी है, चैनल के अगर लोहिया की बात करने वाली समाजवादी पार्टी अगर अंबेडकर जयंती बना रही है तो सर ये भी राजनीतिक अवसरवादिता है। हमने कहा कि हम हर महापुरुष का जन्मदिन मनाते हैं सर, आप मुझे एक बार बताइए, ये नहीं कह सकते सर, मुझे एक तारीख बताइए कब अखिलेश यादव अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर स्मारक गए माल्यार्पण के लिए फूल चढ़ाने के लिए, चैनल एक तारीख तो बता दीजिए, चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी ने मनाया या नहीं मनाया सर, एक तारीख तो बता दीजिए। मैं कह रहा हूं कि जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, हर पांच साल का आज के दिन का वीडियो निकलवा लीजिए, एज ए मुख्यमंत्री गए हैं उससे पहले आप जाते होंगे, दिखा के आज जा रहे हैं, इसके जिलों में दिखा के आज जा रहे हैं, आज तक नहीं हुआ समाजवादी पार्टी हर जिले कार्यालय में मनाया गया है, चोरी छिपे थोड़ी ना जाते थे अखिलेश यादव, मुख्यालय आज अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से अंबेडकर की बात की जा रही है। ठीक है सर, विजय सोनकर शास्त्री साहब, अब डिबेट ओपन है, डिबेट ओपन है, एक मिनट का जो बजर राउंड था वो खत्म हुआ, पुरुष का जन्मदिन मनाते हैं, ठीक है सर, ठीक है सर, तो उनके रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक है सर, उनकी नीतियों को कमजोर करने वाली ताकतों से लड़ रहे हैं, दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, विजय सोनकर शास्त्री साहब दिखावटी नाटकबाजी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये आरोप पूरा विपक्ष लगा रहा है, और आज आप जितना अंबेडकर कर रहे हैं दरअसल डैमेज कंट्रोल है सीएसटी एक्ट को लेकर जो कुछ हुआ। नहीं अमन जी, आप देखिए कि सबसे पहले हम लोगों ने आज से करीब 15 से 20 साल पहले डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्मभूमि महू का एक भव्य निर्माण कराया, तो आप इसी से अंदाज लगा सके, उसके बाद तो उनकी दीक्षा भूमि शिक्षा भूमि उनका चैती भूमि यानी अंबेडकर से संबंधित जितने भी स्मारक हैं सब के सब स्मारक केवल भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए मैं कहता हूं जहां तक अभी मैं डिबेट में सुन रहा था सालों में बाबा साहब की जयंती, अमन जी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, अभी सुनील जी ने अपने बातों में यह कहा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत में अछूतपन और जातिवाद के खिलाफ वहां पर होगा, कार्ल मार्क्स को क्या पता था कि भारत में जातिवाद या भारत में छुआछूत है, भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी छुआछूत नेताओं का यह सबसे बड़ा झूठ है, वो ये कह रहे हैं कि कार्ल मार्क्स ने इस देश में छुआछूत मिटाने के लिए बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कॉन्फिडेंस के साथ इस तरह के झूठ बोले जा रहे हैं, मैं तो दया आ रही है कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों पर जो लोग कार्ल मार्क्स और लेनिन का फोटो लेकर के धरना प्रदर्शन करते थे, आज वो डॉक्टर अंबेडकर के चित्र को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कांग्रेस की दैनिक ये कम्युनिस्ट की दैनिक दशा है। बाकी लोगों के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि लोगों ने हमेशा अपनी रोटी सेकने की कोशिश किया है, और इसके अलावा कुछ नहीं, कठोर कार्रवाई की गई है दोषियों के खिलाफ। शास्त्री जी ये चीज अपने सांसदों को समझा दीजिए ना, चिट्ठी लिखना बंद कर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चार सांसदों ने लिखा है, चार सांसदों ने लिखा है, उदय तराज ने भी कायद की दलितों पर अत्याचार हो रहा है, प्रकाश राजभर की नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, रामविलास पासवान ने भी कह दिया परसेप्शन खराब हो रही है, सुनील चोपड़ा आप रिएक्शन दीजिए फिर मैं सुनील यादव के पास जाऊंगा, सुनील चोपड़ा जी मेरा ये कहना है कि सिंपल मामला है, इन लोगों ने सारी अपनी समझ पंडों से ली हुई है, तो अंबेडकर के नाम भी मंदिर खड़े हो गए तो क्या हो गया, पैसा तो इन्होंने जातिवाद होता था, अभी तो आप कह रहे थे कि कार्ल मार्क्स ने छुआछूत और जातिवाद पर टिप्पणी किया है, आप रूस चले जाओ, आप रूस से ज्यादा लगते हो प्रेमी इस वक्त, आप रूस चले जाओ, मैं बहुत मजे में जानता हूँ कम्युनिज्म को भी, मैंने अध्ययन किया है
और भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी छुआ आप मजे को जानते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है भारत को नहीं जानते हैं और हम मजा छोड़ देते हैं कार्ल मार्क्स लेनिन सब को छोड़ दीजिए अंबेडकर पर आ जाइए नहीं और दलितों को मारेंगे नहीं नहीं बाबा साहब ठीक है जो प्रवक्ता बोल रहे हैं मैं उन्हीं की पार्टी का एक उदाहरण उनको देना चाह रहा हूं कि आपने देखा होगा केशव प्रसाद मौर्य जी जब सभा में उपस्थित हुए और उनका हाथ पकड़ के एक बंदे ने उठाने की कोशिश करी तो उन्होंने हाथ झटक दिया। और दूसरी बात उनको याद दिलाना चाह रहा हूं मैं कि जब खाने का भोज तैयार हुआ तो उनको पत्ते पर खाना खिलाया गया। आपके यहाँ छूत अछूत है तो कहा नहीं है आप ये बीजेपी की आप देखे ना ये छूत अछूत तो आप लोग फैला रहे हैं छूत अछूत तो आप लोग फैलाना चाह रहे हैं। और जिस तरीके से आप एक बात बताइए राम मंदिर की बात आप लोग करते हैं रामायण एक वाल्मीकि ने लिखी है आप मुझे एक बात बताइए सर आप दलितों को मंदिर में घुसने नहीं देते छूत अछूत तो आपके यहाँ हो रही है। आप बताइए मैं हिंदुस्तान की ही बात कर रहा हूँ हम बता रहे हैं आप देखिए राजस्थान की घटना आपने देखा कि किस तरह दलितों को मारपीट के मंदिर से निकाला गया। आप देखिए बुंदेलखंड में मंदिर में घुसने दिया गया आप देखिए छूत अछूत कहाँ नहीं कर रहे आप मुझे डेफिनेशन बयान कर दीजिए कि हिंदुत्व की डेफिनेशन बोल दीजिए उनको एक मिनट आप बताइए एक मिनट ये सब जब से बीजेपी ये तब से छूता बिल्कुल 100% ज्यादा हो रहा है। चार साल पहले सब ठीक था क्या मैक्सिमम चार साल पहले सब ठीक था क्या चार साल पहले कभी नहीं होता था क्या चार साल पहले दलितों का उत्थान हो गया था क्या मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रहा था नहीं होता था आखिर डेट में इनको पंच नहीं हो रहा है पहले नहीं होता था अगर हो रहा है तो वो बीजेपी सरकार में हो रहा है इनको पचा नहीं पा रहे हैं। वाजपेयी जी सोनके शास्त्री जी एक मिनट आप चुप रहिए सर मैं आपके पास आऊंगा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर ये तथ्य है कि 70 साल सरकारें दूसरे लोगों की रही है और उन्होंने दलितों का विकास नहीं किया। आप चार साल में ये कैसे लांछन लगा सकते हैं कि चार साल में विकास नहीं किया क्यों नहीं हुआ चार साल में जितना अगर इतना काम किया होता तो आपके रामविलास पासवान क्यों कह रहे होते कि परसेप्शन खराब हुई है। आप ही की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि परसेप्शन खराब हुई है आप कह रहे हैं कि काम बहुत हुआ है उसको ठीक करने की जरूरत है तो परसेप्शन खराब हुई ना और वो ठीक हुआ परसेप्शन खराब हुई ना तो इसी वजह से होती है काम नहीं होगा तभी परसेप्शन खराब होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने क्या कहा लगता है एक बार शास्त्री जी तो खराब कराया जा रहा है वही हम कह रहे हैं सुप्रीम ललाटिका के तरफ से परसेप्शन खराब कराया जा रहा है जी वही सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि लगता है ऐसा कि हमारी जजमेंट ठीक से समझाई नहीं जा रही लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है ठीक है तो जब ये बातें आएंगी तो उसको ठीक किया और ये कहा था कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट इसके पीछे हो सकते हैं जो आंदोलन एक तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहे थे। मैं एक मिनट राजीव रंजन जी मैं आपके पास हूं उससे पहले सुनील सिंह यादव साहब आप मेरे ख्याल से कुछ कहना चाह रहे थे पहले आप बोलिए उसके बाद राजीव रंजन जी सुनील सिंह यादव साहब एक एक करके बोलिए समझ नहीं आ पाएगा इस तरह से सुनील सिंह यादव साहब नहीं अमन जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये आप भी स्वीकार कर रहे हैं और पूरा देश स्वीकार कर रहा है कि परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी का गया है सर मैं नहीं रामविलास पासवान विरोधी हैं तो कोई नहीं है बिना काम के नहीं आप लोगों ने जो इन्हीं के सांसद के गलत विचार किया है उसकी वजह से गुजरात वाली वो घटना कि अगर दलित घोड़े पर बैठ गया तो उसकी हत्या हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक पहली बार नहीं हो रहा है ये 70 सालों से घोड़े पर जाना लगाम लगाया गया है इतनी दहशत है घटना है आज भी दलित घोड़े पर नहीं बैठ सकता सुनील सिंह यादव साहब एक मिनट सुनकर शास्त्री जी एक मिनट सुनील सिंह यादव साहब आपने सुना था सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था सरकार किसकी एक मिनट सुनील सिंह यादव साहब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोगों ने फैसला तक नहीं पढ़ा और आंदोलन भड़काने की कोशिश की गई नैरेटिव बदलने की कोशिश की गई अगर परसेप्शन बदली है तो इसके पीछे एक साजिश भी हो सकती है ना आप लोगों की ये नैरेटिव बदलने की कोशिश की गई कि आरक्षण खत्म हो जाएगा दलितों के ऊपर अत्याचारों का आरक्षण खत्म हो जाएगा ये सारी चीज आरक्षण का तो केस था ही नहीं आरक्षण का तो केस था ही नहीं ना सर यादव साहब वो ये नैरेटिव तो आप लोगों ने भी बदला इसी वजह से देश जला 11 लोगों की मौत हुई आपने इस तरीके के नियम बना दिए हैं कि अब दलित और पिछड़े नौकरी में वहां आरक्षण ही नहीं पा पाएंगे आप बताइए आप बताइए भारतीय जनता पार्टी लोग कर रहे हैं इन्हीं की सरकार है सर मैं सबकी आवाज बंद कर रहा हूं एक मिनट सुनील सिंह यादव साहब यही दिक्कत है कि हवा हवाई बात ना हो तथ्यों पर बात हो आप कह रहे हैं कि किस तरह से नियमों को बदला गया सर क्या नियम बदला गया एक मिनट बताने दीजिए बताइए सर सुनील सिंह यादव साहब क्योंकि इसी वजह
से हिंसा हो मैं तो कह रहा हूँ उस पर बहस से 11 लोगों की मौत हो जाती है। शिक्षण संस्थानों में इन लोगों ने किस तरीके से नियम बदला पिछड़े और दलितों को आरक्षण खत्म करने के लिए। उत्तर प्रदेश में भर्ती आयोग बना, भर्ती आयोग में क्या एक भी एससी है? सर सुनील सिंह यादव साहब आप कह रहे नियम बदले, मैं आपको पूरे 30 सेकंड दे रहा हूं, मुझे नियम बताइए क्या बताइए। मैं ये कह रहा हूं अमन जी, हवा में बात मत कीजिएगा, बताइए कि 15% लोगों के लिए 15% लोगों के लिए 51% आरक्षण सुनिश्चित कर दिया गया है सर, इसलिए दलित सड़कों पर आरक्षण की जरूरत है, उनको आरक्षण नहीं, इसीलिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार ये बात कह रहे हैं, ये सरकार देश में ना आंदोलन नहीं भाई, आप आरक्षण छीनेंगे तो क्यों आंदोलन नहीं होगा? फैसले पर आप किसी का हक छीनेंगे तो क्यों आंदोलन नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोलिए ना, हक बाबा साहब ने दिया है, घुमा रहे संविधान में लिखा है, आपका होमवर्क पूरा नहीं है आज, मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला था, क्या नियम कमजोर किए गए, ये बताइए। माध्यम से भी अगर दलित और पिछड़ों का हक छीनने की अगर बात होगी तो दलित और पिछड़ा सड़क पर आएगा। यादव साहब आप बताइए ना, क्या आपके पास कहने को कुछ है नहीं सर, आपको पता ही नहीं है, आप भी भीड़ का हिस्सा, आप भी भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं सर। अगर अभी तक क्या होता था अरे मैं कह रहा हूं अभी तक ये होता था कि मेरिट में अगर कोई ओबीसी की जो कट सर में सुप्रीम कोर्ट ने एससी को लेकर क्या कहा वो पूछ रहा हूं आपसे, ओबीसी में रहेगा एससी का वैसे कौन सी डपली बजा रहे हैं सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर दलित सड़कों पर क्या नियम बदला, मैं आपको बता देता हूं सर, आपको नहीं पता तो आपकी जानकारी मैं बढ़ा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट सर एक मिनट, सुनील सिंह यादव साहब एक मिनट करेगी, सुनिए सर एक मिनट, सर एक मिनट सुनिए, सर एक मिनट सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी एसटी एक्ट से हमको कोई दिक्कत नहीं है, बेगुनाहों को बेगुनाह जो है उसको सजा नहीं होनी चाहिए, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया, एफआईआर दर्ज होने से पहले जांच हो जाए ये कोर्ट की तरफ से कहा गया, बेगुनाह को सजा ना हो ये कोर्ट की तरफ से कहा गया, आप दूसरा रागल आप रहे जी, मैं एक मिनट ठीक है सर कह रहा हूं, ठीक है सर एक मिनट, दूसरी बात कह रहे हैं आप जो बात कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दुष्यंत नगर साहब एक मिनट, दुष्यंत नगर साहब एक मिनट, सुनील सिंह यादव जी ठीक है सर, उच्च शिक्षण संस्थानों में जो व्यवस्था की डर होगा उस व्यवस्था, दुष्यंत नगर साहब एक मिनट ठीक है, सुनील सिंह यादव से, सुनील यादव से, सुनील यादव मेरा सोनकर साहब से सीधा सवाल है, दुष्यंत नगर जी सोनकर साहब से सांसद जी से सीधा सवाल है, 2014-15 में दलित उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए एनसीआरपीबी के रिकॉर्ड के अनुसार 41,000 समथिंग, उसके बाद से आंकड़े नहीं आ रहे हैं, क्या कितना बढ़ा कितना घटा क्यों नहीं आ रहे? 47,000 हो चुके हैं तो सर मैं यही तो, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी नहीं आ रहे हैं ठीक है, तो कहीं ना कहीं शास्त्री साहब आप देखिए सहारनपुर की बात करते हैं, सर जवाब देने दीजिए, सर सहारनपुर का मामला है, पूरे देश में पूरे प्रदेश में राज्य सरकार ने कई झूठे मुकदमे कई राजनीतिक मुकदमे वापस लिए, क्या जो सहारनपुर में दलितों के ऊपर मुकदमे नहीं है वो भी तो राजनीतिक मुकदमे ठीक है, वो भी तो वापस होने चाहिए सर, उसके लिए सरकार क्या करे? जवाब देने दीजिए विजय सोनकर शास्त्री साहब, जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहले ये तो इन्होंने जो डेटा की बात की 41,000 का, ये अगर उससे एक साल पहले जाते 2013 में तो वह डेटा था 38,000 का, और अगर उससे और पहले जाते तो वो डेटा है 43,000 का, तो थोड़ा ये पूरा डेटा देते तब तो इनके समझ में आता कि आगे का क्या है, और जहां तक डेटा छोड़ने की बात है आज की तो इसकी एजेंसियां करती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, और जहां तक सहारनपुर की घटना के बारे में है मैं स्पष्ट रूप से इनको बता देना चाहता हूं कि सहारनपुर में जो भी घटना हुआ है उसमें प्रशासन ने कड़ाई के साथ उसका सामना किया, जांच किया और दोषियों को जेल तक भेजा गया है, ये शायद इनको जानकारी नहीं है। नहीं सर मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी ये है चंद्रशेखर जेल में बंद है, उसका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, वो भी एक कैदीविस्ट है, उसको राजनीतिक कैदी की तरह नहीं रखा जा रहा है, पक्षियों के शोरगुल वो भी बाबा साहब का अनुयायी है, कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है, सरकार बेहतरीन देखो वो कोई हत्या करके गया, बलात्कार में गया, लूट में गया है, वो क्या बात कर रहे हो, वो राजनीतिक वो लोगों के सरकार की छवि कैदी होता है। अब ठीक है अब आप कह लीजिए आप सत्ता में बैठे हैं इसको ठीक करिए, आप डबल फायदा ले रहे हैं। एक मिनट बताने दीजिए राजनीतिक कैदी क्या सर? आज चंद्रशेखर की रिलीज देखिए वो एक आंदोलन उन्होंने खड़ा किया, उस आंदोलन की परिणति में उनको जेल हुई, लगातार बीमार चल रहे हैं,
उनका सही इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है, प्लस उनके ऊपर जो केस है हमारी ये मांग है नहीं नहीं सर मैं सुन लीजिए सर क्या बात हो बस 5 सेकंड का एक एसआईटी का गठन करें जो उनके ऊपर सारे मुकदमे की क्या सत्यता है उसका जांच करें और विधि अनुसार कार्रवाई हो। ये लॉ की बात है, क्यों नहीं लॉ की बात करेंगे? दलित का बेटा है जेल में सड़ रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप? लालू की तबीयत खराब है, आपने मेरे ख्याल से ठीक है सर। वाजपेयी साहब आप गर्म हो जाते हैं। एक मिनट वाजपेयी जी, आपने कुछ आंकड़े दिए थे दूसरा नागर साहब, कुछ आंकड़े मेरे पास भी थे, मैं भी आज होमवर्क करके आया था। ये गृह मंत्रालय के आंकड़े, अखिलेश सरकार में दलित उत्पीड़न के मामले में यूपी टॉप पर आया। 2016 में यूपी में दलितों पर हिंसा के कुल 10,426 मामले रहे हैं। 2015 में यूपी में दलितों के खिलाफ अपराध के सबसे ज्यादा 8,358 मामले दर्ज हुए। यानी कि सर ये अक्रॉस पार्टी लाइन है सर, आप जी सिर्फ एक पार्टी को नहीं, ये समाजवादी पार्टी के दौरान भी वहां दलितों को नंगा करके पीटा गया था सर, पीठ पर किस तरह से डंडे बरसाए गए थे अखिलेश सरकार के दौरान ही, यानी कि लखनऊ के अंदर ये हुआ था, रेप हुआ था और उनको फांसी, ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है, एक मिनट सर, मैं आपके पास आऊंगा यादव साहब। राजीव रंजन जी एक मिनट सर, गोहत्या पे नहीं जाऊंगा सुनील चोपड़ा जी, एक मिनट। राजीव रंजन जी आप बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। राजीव रंजन जी सर, परसेप्शन तो खराब हो रही है ना, जिस गठबंधन का आप हिस्सा है छवि तो खराब हो रही है, इसलिए दलित सड़कों पर भी था, उसको तो नहीं नकारा जा सकता। देखिए, परसेप्शन खराब होने की बात जो लोग कह रहे हैं, मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, अगर आप कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों का आचरण देख लें, या जो इस गठबंधन के बाहर समाजवादी पार्टी जैसे दल हैं, हम बिहार के मामले में एक बात आपको कह सकते हैं कि 1990 से 2005 के बीच सर कांग्रेस सत्ता में नहीं है ना, बीजेपी सत्ता में, नरसंहारों में छवि बीजेपी की खराब हो रही है, मरने वाले दलित सांसद बीजेपी के चिट्ठी लिख रहे हैं। और अभी मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए आपने काफी लंबे समय के बाद जवाब देने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा सर, ये जरूर बोलने दीजिए, फिर आज बंद गलियों से बाबा साहब अम्बेडकर को बंद गलियों से बाहर भी निकालिए, इतना बहुआयामी व्यक्तित्व सिकुड़ कर सिमट कर रह गया है, जिस तरीके का विश्लेषण हम कर रहे हैं अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के कारण, हम उनके विश्लेषण में ये कभी कह पाते हैं कि इतना बड़ा अर्थशास्त्री, इतना योग्य मजदूरों का नेता, समाज के गैर बराबरी को दूर करने वाला एक इतना बड़ा योद्धा, आज अगर लगातार वो लड़ाई लड़ता रहा तो आज भी मंदिरों में जाने के सवाल पर जिन ये समाज के कमजोर तबके के लोगों की वकालत वो कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने 15,000 लोगों के जत्थे की अगुवाई नागपुर में की थी, आज महिलाओं को लेकर के उनके लड़ाई में महिलाएं भी काफी आगे थी, महिलाओं को लेकर आज भी वो आंदोलन जारी है। तो सर ये सारी चीजें सुधारने के लिए तो आप लोग सत्ता में हैं सर, इसलिए ये 4 साल से आप ही तो सत्ता में हैं, ये पूरी तरह से सांसद चिट्ठी लिखकर ये कह रहे हैं कि 4 साल में दलितों के लिए एक काम नहीं हुआ। यशवंत सिंह बीजेपी के सांसद, चिट्ठी मेरे पास भी है सर, वो चिट्ठी यही सर, हमारी पार्टी अगर आपकी पार्टी नहीं सर, आपके सहयोगी बीजेपी के सांसद यशवंत सिंह, वो कह रहे हैं कि एक काम नहीं हुआ पिछले 4 सालों में दलितों के लिए, अपना पर्सनल काम नहीं हुआ अशोक भारती, अगर पर्सनल काम सर, आपके सांसद पर्सनल काम की चिट्ठी लिख रहे थे क्या प्रधानमंत्री को? लेकिन हमारे उनके शास्त्री बारे में चर्चा की है, आप पढ़ करके देखिए पूरी चिट्ठी, मैंने चारों चिट्ठियां पढ़ी है, व्यक्तिगत गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ठीक है सर, छोटे लाल यशवंत सिंह, गोटेतराज, ओपी राजभर, ये तमाम पर्सन, इनका सबका पर्सनल गुस्सा है सर, नाम नहीं खत्म हो रहा है, सबकी नाराजगी इतनी है। नहीं नहीं, आप देख देख लीजिए, ठीक है सर, वो क्यों इस पत्र को लिखे हैं जी जी, हर एक सांसद के सर उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती है, उनके पास कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, जरूरी नहीं कि सभी समस्याओं का समाधान हो, ठीक है, इसलिए वो लोग परेशान होते हैं। ये मेरे ख्याल से राजीव रंजन ने इंपॉर्टेंट बात कही अशोक भारती जी, देखिए मैं दलित जी अम्बेडकर जो है वही बताना चाहता हूँ, वो देश के आइडल थे, उनको सिर्फ दलितों का नेता बनाकर सीमित कर दिया क्या? देखिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बहुत बड़े कानूनविद थे, संविधान निर्माता थे, लेकिन मैं जो पार्टी में लोग बैठे उनसे सबसे पूछना चाहता हूँ, अर्थशास्त्री भी थे। अरे भाई आप सुन लीजिए ना जी जी, बोलिए बोलिए सर, आप बोलिए, ठीक है, रिजर्व और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इतना अगर बाबा साहब के प्रति प्रेम है तो आज आपने छुट्टी क्यों नहीं करवाई बाबा साहब की? पहली बार हुआ है शास्त्री जी, आप जैसे दलित के नेतृत्व में होते हुए बाबा साहब की जयंती पर छुट्टी नहीं की सरकार ने आपकी, समझ लीजिए इस बात को, पहली बार सम्मान बढ़ा, छुट्टी नहीं हुई उनकी, छुट्टी देने से सम्मान बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, क्योंकि सवाल है छुट्टी क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि जब आप सब चीज में
इतने महापुरुष है सबके सब पर अगर छुट्टियां जयंती पर छुट्टियां देने लग जाएंगे तो साहब ऐसा नहीं है। वो भारत के संविधान के निर्माता है, वो इस देश के लोकतंत्र के संस्थापक है, फिर तो गांधी की भी छुट्टी बंद कर दीजिए, बाकी भी छुट्टी बंद कर दीजिए, 15 अगस्त की भी छुट्टी बंद कर दीजिए, रिपब्लिक डे की भी बंद कर दीजिए। नहीं नहीं ये बहुत सीरियस बात है, बोलिए मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब एक बड़े कानूनविद थे और राजीव रंजन जी यहाँ पर हैं और सोनकर शास्त्री जी भी हैं, उनको ये नहीं दिखा देता जैसे लक्ष्मणपुर बाथे का केस है, ठीक है, लोअर कोर्ट ने सजा दी, हाई कोर्ट ने एविक्ट कर दिया, ऐसे कई केस उनके यहाँ हुए। अरे भाई ये बताइए, आपकी सरकार का वकील था ना उस केस को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है सर, तो क्या हुआ उसके, उस वकील ने क्या किया? ऐसे ही आपका सॉलिसिटर जनरल था ना सुप्रीम कोर्ट में, आपका एडिशनल सॉलिसिटर जनरल था बीजेपी का, उसने क्या किया? हमको ये समझना है कि देश के न्यायालय में दलितों के अधिकारों को कुचला जा रहा है, ठीक है सर, आपकी सरकारें दलितों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं, ये बताना चाहता हूँ। अशोक भारती जी एक मिनट, वाजपेयी जी एक मिनट, अशोक भारती जी एक मिनट, अशोक भारती जी ये सब 4 साल में हो गया क्या? चार साल से पहले दलितों का उत्थान हो गया था? नहीं नहीं अमन जी, मैं कह रहा हूँ 4 साल पहले सब सही था, मैंने राजीव रंजन का जिक्र किया, एक मिनट, नहीं बाबा सारी सरकार को किया, नहीं बाबा अमन जी देखिए मैं जो बताना चाह रहा हूँ 4 साल की ही मैं घटना बता रहा हूँ, 4 साल में जो बीजेपी ने जो किया है वो दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, जिस तरीके से ऊना की घटना है और सहारनपुर की घटना है और बहुत सारे भीमा कोरेगांव की घटना है। एक मिनट सर, बात पूरी होने देना। जी जी बोलिए बोलिए। आप ये देखिए बीजेपी की करनी और कटनी में कितना अंतर है कि बीजेपी जो जाटों के आरक्षण के मामले में केस वापस ले रही है, मुजफ्फरनगर के जो कांड हुआ उसका केस वापस ले रही है, आप स्वामी स्वामी चिदानंद के केस दो वापस ले रही है, एक बड़े करेगा प्रदर्शन के लिए ले रही है, ये केस वापस ले रही है, अगर जो उनको वापस ले रही है तो दलित भारत में कहां है, जितनी जो दलित पर पैसे डाले गए हैं कानून में वापस होंगे, सरकार जारी कर रही है, कानून वापस ले रही है, लगाया है एनएसए लगाया है आपने, क्या कह रहे हैं अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं आपके ऊपर एनएसए लगाया किसी ने, आप दलितों में एनएसए लगा रहे, चंद्रशेखर को एनएसए में बंद कर रखा है, क्या अपराध है उसका? नहीं की गई क्या? आपने राजेंद्र के मुकदमे थे वो वापस ला लिए, एनएसए लगा है तो कानून बनता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ठाकुर है और चंद्रशेखर दलित है, इसलिए फर्क है आपका, 308 का मुकदमा राजेंद्र भी राजो को लगानी चाहिए, नहीं नहीं सर क्या बात कर रहे हैं आप, दखलंदाजी नहीं कर रहे, कितने लोगों से मुकदमे वापस लिए गए दखलंदाजी नहीं है, क्या बात कर रहे हैं, ने अपने खिलाफ ले लिया, ये पावर फेर आदित्य नाथ ये कैसे हो जाएगा? सर बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे ख्याल से जब दूसरा कोई आंदोलन होता है, जाटों का आंदोलन होता है, सर एक मिनट वाजपेयी साहब एक मिनट दूसरा नगर साहब एक मिनट, कोई और आंदोलन होता है तो कानून कोई काम करता है तो कहा जाता है कि कानून अपना काम कर रहा है, यहाँ दलितों का आंदोलन हुआ कानून अपना काम कर रहा है तो यहाँ कहा जा रहा है कि फंसाया जा रहा है, ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते ना सर, इसी सर अभी मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा, ताल ठुके में।